फिल्मी दुनिया में राज करने वाले अजय देवगन के आज भी करोड़ों की संख्या में फैंस हैं। अजय देवगन बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जो हर तरह के किरदार को बाखूबी निभाते हैं, चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर का किरदार हो या फिर तानाजी जैसे वीर योद्धा का किरदार। अजय देवगन अपने किरदार में पूरी तरह घुस जाते हैं। बॉलीवुड में अजय का ये बेहतरीन सफर इतना आसान नहीं था। आज के इस वीडियो में हम आपको अजय देवगन के सफर के साथ साथ उनके लाइफ के बारे में भी बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप अजय देवगन के फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अजय देवगन का रियल नेम विशाल वीरू देवगन है और अजय का जन्म 2 अप्रैल 1969 को न्यू दिल्ली में हुआ और 2023 के हिसाब से 54 साल के हैं। दोस्तों, अजय के पिता वीरू देवगन हैं जो कि हिंदी सिनेमा में स्टंट कोरियोग्राफर थे और इनकी मां वीना एक फिल्म प्रोड्यूसर थी। अजय के पिता का सपना शुरुआत से ही एक एक्टर बनने का था। उन्होंने खुद फिल्म इंडस्ट्री में कई साल स्ट्रगल किया और फिर अभिनेता बनने का सपना छोड़कर स्टंट कोरियोग्राफर बन गए और फिर इन्होंने लगभग 80 फिल्मों में स्टंट कोरियोग्राफी की। इसी तरह अजय के मन में भी बचपन से ही एक्टर बनने का सपना था। अजय ने स्कूल की पढ़ाई सिल्वर बीच हाई स्कूल से की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन पूरी की। अजय ने अपना फिल्मी सफर 1991 में शुरू किया। इनकी पहली फिल्म फूल और कांटे थी और इस फिल्म के लिए इनको बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला और इस फिल्म में इन्होंने दो बाइक पर बैलेंस बनाकर स्टंट परफॉर्म किया। ये सीन आज भी बॉलीवुड के सबसे मशहूर सीन में से एक है। इसके बाद इनकी अगली फिल्म करिश्मा कपूर के साथ जिगर थी। ये फिल्म भी एक हिट फिल्म साबित हुई और उस समय बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ का कलेक्शन किया था। 1993 में अजय ने एक के बाद एक 9 फिल्में की थी और सभी फिल्में बहुत अच्छी साबित हुई क्योंकि लोगों को उनकी फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। इन 9 फिल्मों में से संग्राम, एक ही रास्ता, शक्तिमान, धनवान और बेदर्दी को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था। बॉलीवुड के इतिहास में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देने वाली फिल्म इश्क में भी उन्होंने काम किया था, इसलिए आज भी इस फिल्म को लोग उतने ही शौक से देखते हैं जैसे उस समय देखा करते थे। जिसके बाद अजय देवगन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जंग, जान, दिल जले, जख्म, हम दिल दे चुके सनम, प्यार तो होना ही था, मेजर साहब, गैर, दिल क्या करे, हिंदुस्तान की कसम जैसी सफल फिल्मों की लाइन लगा दी। साल 2000 में इनकी फिल्म ये है रास्ते प्यार के रिलीज हुई और साल 2003 में इन्होंने गंगा जल में काम किया। गंगा जल के बाद वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, सिंघम, राजनीति, सिंघम रिटर्न्स और दृश्यम इनकी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज में से एक है। इन्हीं फिल्मों ने इन्हें नई पहचान भी दिलाई। इनकी हाल ही में आई भोला फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस तरह फूल और कांटे से लेकर भोला तक हमने इनके कई किरदार देखे। इन्होंने कॉमेडी, एक्शन, सीरियस हर रोल को बाखूबी निभाया है और इस तरह अजय की लिस्ट में अवार्ड्स भी शामिल होते चले गए। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया है। यह आज तक 65 बार अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, जिनमें से इन्होंने 19 अवार्ड्स को जीता भी है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना अजय देवगन की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है। अब बात करते हैं अजय देवगन के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, अजय देवगन एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। वे अपने परिवार के साथ एक बहुत ही बड़े और शानदार घर में रहते हैं। अजय देवगन का घर जुहू मुंबई में है, जिसका नाम शिव शक्ति है और इस घर में हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद है। दोस्तों, इस घर के प्राइस की बात करें तो लगभग 60 करोड़ रुपए है और इसके अलावा अजय देवगन ने मुंबई के रियल एस्टेट में कई घर ले रखे हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको अजय देवगन की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है वीरू देवगन और अजय देवगन की माँ का नाम है वीना देवगन और अजय देवगन का एक भाई भी है जिनका नाम है अनिल देवगन। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अजय देवगन की एक बहन भी है जिनका नाम है नीलम देवगन। बात करें इनकी वाइफ के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, काजोल इनकी वाइफ है जिनसे इन्होंने 1999 में शादी की और इनका एक बेटा और एक बेटी है। इनकी बेटी का नाम नायशा है और इनके बेटे का नाम युग है। अब बात करते हैं अजय देवगन के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अजय देवगन कई लग्जरी और महंगी गाड़ी ओन करते हैं, जिनमें से इनकी पहली कार है मिनी कूपर जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए और दूसरी कार इनके पास है ऑडी A5 स्पोर्टबैक जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए और तीसरी कार इनके पास है BMW Z4 जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए और अजय देवगन ऑडी Q7 भी ओन करते हैं जिसकी कीमत है 95 लाख रुपए और अजय देवगन के पास पांचवी कार है मर्सिडीज GLE 400 4Matic जिसकी कीमत है 1.4 करोड़ रुपए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अजय देवगन BMW के BMW 740 Li भी ओन करते हैं जिसकी कीमत है 1.70 करोड़ रुपए और इनके पास BMW की BMW X7 भी है जिसकी कीमत है 1.22 करोड़ रुपए और अजय देवगन के कार लिस्ट में रेंज रोवर वॉक भी शामिल है जिसकी कीमत है 2.10 करोड़ रुपए और लास्ट में कार आती है अजय देवगन के पास रोल्स रॉयस कुलिनन जिसकी कीमत है 8.10 करोड़ रुपए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अजय देवगन बॉलीवुड के उन सेलिब्रिटी में आते हैं जिनके पास खुद का प्राइवेट जेट भी है। दोस्तों, अजय होकर 800 ओन करते हैं जो 6 सीटर जेट है और इस जेट की कीमत लगभग 84 करोड़ रुपए है।
वहीं बात करें अजय देवगन के इनकम के बारे में तो दोस्तों अजय देवगन एक फिल्म में काम करने के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अजय एक ब्रांड के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए तक लेते हैं और अजय का इनकम सोर्स उनका प्रोडक्शन हाउस भी है और प्रोडक्शन हाउस से अजय देवगन 100 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। अब बात करते हैं अजय देवगन के नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका टोटल नेटवर्थ है लगभग 427 करोड़ रुपए। तो ये थी अजय देवगन की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।